अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता कि हमारा देश सबसे अलग है, बल्कि इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जरूरत पड़ने पर हमारे देश के लोग धर्म, जाति, पंथ छोड़कर एक दूसरे के साथ आ जाते हैं और अपनी एकता का नमूना पेश करते हैं, जिसकी मिसाल 22 मार्च 2020 रविवार को देखने को मिली। कोरोना वायरस महामारी से जब पूरी दुनिया परेशान है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक अनुरोध पर धन्यवाद का आवाहन किया गया, जिसमें देश के मंत्री, सांसद, विधायक और आम जनता शामिल रही। धन्यवाद उन लोगों का जो हमारी सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाकर काम कर रहे हैं। वो हैं हमारे डॉक्टर, सैनिक, पुलिसकर्मी, नर्स, मीडियाकर्मी और सरकारी अधिकारी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुरोध किया था कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का सब लोग समर्थन करेंगे और ऐसा देखने को भी मिला। देश के प्रधानमंत्री के एक अनुरोध पर पूरा देश थम गया, सड़कें खाली हो गईं, दुकानें बंद हो गईं और लोग घरों में ही रह गए, और ये सब सिर्फ कोरोना को हराने के लिए किया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले 1964 में भारत में अकाल पड़ा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने हफ्ते में एक दिन देश के लोगों से उपवास करने और अन्न को बचाने की अपील की थी। खुद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने खुद भी इस नियम का पालन किया था और प्रधानमंत्री के घर में एक दिन के लिए कोई खाना नहीं खाता था। यहाँ तक कि पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने अपने घर में खाली जमीन पर अन्न उगाया था और खेती की थी। लोगों को भी यही संदेश दिया था। 1964 के बाद एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिला जब पीएम मोदी ने कोरोना से बचने के लिए लोगों से अपील की। आप भी सुनिए कैसे लोगों ने थाली और ताली बजाकर शुक्रिया अदा किया उन लोगों का जो कोरोना के खतरे के बीच सेवाओं में लगे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसीलिए अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।